स्वच्छ भारत का असली चेहरा जिला गुरदासपुर का बटाला इलाका दिखा रहा है। यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन प्रशासन तो बार बार बटाला को स्वच्छ भारत का रूप दे रहा है। आप जो अपनी स्क्रीन पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे देख रहे हैं, यह प्रशासन के उन 8 जोनों की पोल खोल रहा है जो कुछ दिन पहले प्रशासन ने शहर में सफाई रखने के लिए 8 जोन बनाए थे। इलाके के लोग इतने परेशान हैं कि अब तो बरसात के मौसम में कूड़ा पानी में बहकर उनके घर में दाखिल हो जाता है। लोगों का बाजार निकलना भी इतना मुश्किल हुआ है कि बीमारी के डर से वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। कहीं कोरोना की जंग की ही तरह लोग कूड़े के डर से बाहर न निकले। जानकारी देते हुए इलाका निवासियों ने बताया कि हमारी जो वार्ड है भाजपा की वार्ड है और इस वार्ड में लगातार भाजपा का ही काउंसलर आ रहा है, जिसकी वजह से राजनीतिक रंग देने के लिए उसी वार्ड के काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के काउंसलर हैं। लायंस क्लब की तरफ से 1 करोड़ खर्च करके बटाला प्रशासन को शहर से गंदगी उठाने के लिए मशीनरी भी दी गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और 10-10 दिन तक शहर में कूड़े के ढेर लगे होते हैं। जब शहर के लोग इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं तो उस समय अपनी नालायकी छुपाने के लिए कूड़ा उठाया जाता है। और आज भी जब सोशल मीडिया पर स्वच्छ भारत की फोटो वायरल की गई तो उसी समय रविवार वाले दिन ही प्रशासन द्वारा कूड़ा उठाना शहर से शुरू कर दिया। प्रॉब्लम जे किसी वेले आंदी है, कोई एक दिन ली आई, कोई दो दिन ली आई, इस प्रॉब्लम किसी वेले आ सकती है। भाई मानने हैं भी प्रॉब्लम किसी वेले डैम्प दी आ गई, कोई आ गई, लेकिन 6-7 महीने तो इन्नी प्रॉब्लम 8-8 9-9 दिन जिहड़ा कूड़ा नहीं चुकया जाना, बाकी शहर नालों हर साल चुकया जाता, इतनी की प्रॉब्लम आती है। असं एक बार नहीं बड़ी बार कह चुके हैं, बड़ी बार कमिश्नर साहब नूं कह चुके हैं, सेंट्रल इंस्पैक्टर नूं कह चुके हैं, इसलिए जिहड़ा साढ़े गवर्नमेंट वालों सफाई सेवादार जिहड़ा लगाया गया अपने बब्बी उन्होंने भी कह चुके हैं कि भाई जिहड़ा कूड़ा उन्होंने कह के भी जे डैम्प हुंदा ही है, जे कितें जगह नहीं हैगी, जे 8 बजे तक डैम्प हुंदा बंदा 9 बजे तक चुकया जाए। इन्निया ट्रालियां, इन्ना सब कुछ है, पर इन्हां दे सिर्फ इक्को ही गल है कि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, तंग करने वाली गल है। ये बारे कमिश्नर साहब नूं पता नहीं किन्नी बारी कह चुके हैं, कूड़े की पोजीशन यह है भी ठेकेदार नूं कम देता जाता, कभी बहाना बना देता जगह है नहीं, कभी बहाना बना देंदे बंदे है नहीं, जबकि बाकी जगह तो चुकया जाता। इतने इस इलाके जेल यह है भी 8-8 दिन कूड़ा नहीं रहता चुकया जाता, जबकि बिल्कुल नाल आंढ गुआंढ लोग रेंदे ने, मेन इलाका वा है, लोगों की आवाजाही है, लंघन लोगों को राह नहीं। यह कूड़ा जो बरसात हो जाती है लोगों के घर वड़ता वा, सीवरेज बंद करता वा, इन्हों कोई परवाह नहीं भी यही चुकना वा, बहाना कोई ना कोई तैयार आ, जबकि अज संडे होने बाद बावजूद भी जो ये फोटो वायरल हुई वा, अज इन्होंने संडे को ठेकेदार को कितना कह के ट्राली भेज दी। ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है और मिली भगत है जोड़ा ये काम नहीं हो रहा। अगर प्रशासन चाहे तो टाइम से सारा जवाबदेही भी ला सकता, ठेकेदारों को प्राइवेट को काम है, क्यों नहीं पुछता वो? ठेकेदारों की एक जगह मजबूरी हो सकती है, बाकी जगह शायद चुकया जाता, खासकर भंडारी महल क्यों नहीं चुकया जाता? ये लोगों को सिर्फ एक तंग करने का तरीका वा, और प्रशासन ये पूरी तरह मिली भगत आ। असी प्रशासन को कह कह के थक गए, जो अं जाते हैं वो कहें कल तुम आके जवाब कहें, बाकी लोग कोई नहीं बोलते कि एक बंदा बोले तो मतलब नहीं चुकना। असी प्रशासन तो चाहिए भी सारे लोगों की देखे भी लोगों की तंगी आ रही है, पर प्रशासन ने इस बारे अखा बंद की दी। असी 15 दिन पहला भी कहा सी, बारों बार कमिश्नर साहब रौन ला के चले गए, इस इलाके तक आने की जहमत ही नहीं की। ये प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी निभानी पैनी है, ये लोकशाही है, ये लोगों की गल सुननी पैनी है और लोगों के काम करने पैने। ये नहीं है भी तुम लोगों के काम बंद कर दोगे तो लोगों को परेशान करोगे तो लोग चुप रहेंगे। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।